टेंस के हमने अभी तक फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस तक कर लिया था, जो हम ग्रामर पोर्शन कर रहे थे। अभी हम आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस करेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन जानते हैं। मैं फिर से कह रही हूँ, जो मेरे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो मेरे प्लेलिस्ट को जाकर देख सकते हैं। ग्रामर टेंस का मैंने अलग से डाल रखा है। अभी तक हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस तक पूरा कंप्लीट कर लिया विथ एग्जाम्पल्स। तो अभी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कर रहे हैं। इसका सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, मतलब यानी पहचान। तो इसकी पहचान क्या है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, अथवा या होगा, ये होंगे, ई होंगे, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पहचान हो गए, यानी आइडेंटिफिकेशन हो गए। अब हमें क्या करना है, इसके रूल जानने हैं। रूल देखिए क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। रूल के बगैर नहीं होगा, मैं बार बार आपसे कहती हूँ। चलिए आप एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, आप उन्हें बुलाए होंगे, आप उन्हें बुलाए होंगे, नोटिस करिए ए होंगे, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो हम अब चले जाते हैं रूल पे। सबसे पहले सब्जेक्ट में आप है तो यू हो जाएगा। यू विल हैव कॉल्ड देम, भी थ्री है तो कॉल का कॉल्ड हो जाएगा, उन्हें का देम हो जाएगा। आप उन्हें बुलाए होंगे, यू विल हैव कॉल्ड देम, क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। आदर्श आपको दिया होगा, या होगा, ई होगी तो या होगा, ठीक है। आदर्श आपको दिया होगा, सॉरी क्वेश्चन मार्क नहीं होगा अभी, आदर्श आपको दिया होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, आदर्श, यानी सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है तो हम पहले लिखेंगे आदर्श, फिर हमारा विल सेल है तो फिर हम विल हैव गिव गैव गिवेन, गिवेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, दिया होगा, यू आपको, आदर्श आपको दिया होगा, आदर्श विल हैव गिवेन देम, सॉरी गिवेन यू, आपको था इसलिए यू, उन्हें होता तो देम हो जाता। ये हमने किसका किया, अभी हमने ये अफर्मेटिव का किया, ये अफर्मेटिव रूल कंप्लीट हो गया। अब हमने अफर्मेटिव किया, अब हम नेगेटिव कर रहे हैं। नेगेटिव का रूल देखिए क्या है, सेम है, बस हैव के बाद हमारा यहाँ पे नॉट लग रहा है। सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो चलिए अब एक एग्जांपल से लेते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। आप उन्हें नहीं, नॉट हो जाता है इसलिए नहीं, नहीं बुलाए होंगे, क्लियर। सबसे पहले सब्जेक्ट है यानी यू हो जाएगा। यू विल हैव नॉट कॉल्ड देम, क्लियर, आप उन्हें नहीं बुलाए होंगे, यू विल हैव नॉट कॉल्ड देम, हो गया। एक और एग्जांपल देते हैं। आदर्श तुलसी को कुछ नहीं दिया होगा, आदर्श तुलसी को कुछ नहीं दिया होगा, आदर्श तुलसी को बोल रहे हैं। यहां सबसे पहले आदर्श जो है हमारा सब्जेक्ट है, एक साथ नहीं होगा। आदर्श विल हैव नथिंग, कुछ नहीं का मतलब होता है नथिंग, गिवेन तुलसी, आदर्श तुलसी को कुछ नहीं दिया होगा। आदर्श विल हैव नथिंग गिवन
तुलसी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे नो क्यों नहीं, नॉट क्यों नहीं लगा, जब कि है हमारे में। तो यहाँ पे जो मेन वर्ड्स दे दिया था, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हो, नहीं का मतलब यहाँ पे जो ये वर्ड दिया है कुछ नहीं, नहीं का मतलब तो नॉट होता है, बट कुछ नहीं दे दिया इसलिए हम यहाँ पे नथिंग कर रहे हैं। सो दैट एक्सक्यूज ये है कि हमने कुछ नहीं की जगह पे नथिंग किया है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, इसलिए मैं ये क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। सो हमने आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव एंड नेगेटिव रूल के साथ विथ एग्जाम्पल के साथ जान लिया है। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड थैंक यू। Thank you.